वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट थर्ड जो है आपके कोर्स डिस्पर्जन उसके बारे में स्टडी करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोर्स डिस्पर्सन्स क्या होते हैं। तो ये डिस्पर्सन होते हैं, है ना, जिनका जिसमें जो आपके पार्टिकल हैं, जो आपके डिस्पर्स्ड फेज होती है उसके पार्टिकल अगर 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होते हैं साइज़, तो उनको कोर्स डिस्पर्सन कहते हैं। एक्चुअली में डिस्पर्सन क्या होते हैं, इनमें इसमें क्या होता है कि एक लिक्विड होता है जिसमें कि कोई सॉलिड डिस्पर्स्ड रहता है, ठीक है। तो ये जो डिस्पर्स्ड फेज होती है सॉलिड की, अगर इसकी पार्टिकल साइज़ 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होती है तो ये आपके कोर्स डिस्पर्जेंस कहलाते हैं, ठीक है। डिस्पर्जन जिनका पार्टिकल साइज़ रेंज डिस्पर्स्ड फेज का 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है वो कोर्स डिस्पर्जेंस कहलाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप समझ ही रहे होंगे कि अगर पार्टिकल साइज़ इनका ज़्यादा होगा, साइज़ इनका 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उनका सेडिमेंटेशन इनका फास्ट होता है, ठीक है। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज के साइज़ ज़्यादा होने की वजह से इनका सेडिमेंटेशन रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि इन पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपका जी की वैल्यू वो ज़्यादा लगता है। जितना बड़ा साइज़ होगा पार्टिकल का उतना तेज़ इनका सेडिमेंटेशन होगा, ठीक है। तो आगे हम बात करें, इसमें जो आपके डिस्पर्स्ड फेज होती है और डिस्पर्जन मीडियम होते हैं ना, मतलब ये डिस्पर्स्ड जो फेज़ होती है ना, उसमें से जब वो पार्टिकल या फिर जो सब डिवाइडेड पार्टिकल रहते हैं जो किसी लिक्विड में सस्पेंडेड रहते हैं, इनको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, है ना। ये जो डिस्पर्स्ड फेज़ है ये स्मॉल सब डिवाइडेड पार्टिकल्स होते हैं ना, ये कहलाती है डिस्पर्स्ड फेज। और एक जो डिस्पर्जन मीडियम होता है वो लिक्विड होता है जनरली, है ना, लिक्विड होता है जिसमें कि ये सॉलिड सस्पेंडेड रहते हैं। तो ये जो लिक्विड होता है इसको बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम, है ना। तो इस तरीके से ये दो फेज़ होती हैं आपके डिस्पर्जेंस होते हैं, ठीक है। तो इसको दोनों फेज़ों को आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। अभी इसके टाइप जो हैं वो हैं, सबसे पहला आपका मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, ठीक है। तो ये मैं आपको जब कोलोइडल डिस्पर्जन पढ़ाया था तो मैं ये तीनों चीज़ें आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका था, क्या होते हैं मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, कोलोइड्स क्या होते हैं ना, तो और जो आपका थर्ड है ये कोर्स डिस्पर्जन क्या होते हैं ना। तो वही ये फिर से मैं इसमें बताऊँगा कि जो आपके सॉल्यूट होते हैं ना, सॉल्वेंट होते हैं, सॉरी, ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, उनमें उनको हम मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन कहते हैं। जैसे कि आपका सॉल्यूशंस में आपके जो सॉल्यूशंस में जैसे कि आपको इलेक्ट्रोलाइट वगैरह हुए, तो इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो आपका डिस्पर्जन डिस्पर्स्ड फेज होता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है ना। जैसे कि एयर भी एक एग्जांपल है, इसमें क्या होता है ऑक्सीजन नाइट्रोजन, है ना, जो गैसेस हैं वो कहाँ गैसेस हैं वो एयर में डिस्पर्स्ड रहती है ना। तो ये मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और इनका जो मॉलिक्यूल साइज़ होता है वो 1 नैनोमीटर से लेस होता है, कम होता है, ठीक है। तो ये आपके मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन हुए। मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन में क्या होता है कि जो डिस्पर्स्ड फेज़ होती है, ठीक है, वो क्या होता है सेपरेट मॉलिक्यूल के फॉर्म में होमोजीनसली डिस्ट्रीब्यूट रहती है डिस्पर्जन मीडियम में, है ना। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल क्या बताया, सॉल्यूशंस में, है ना, सॉल्यूशंस में क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो आपके डिस्पर्स्ड फेज है वो किसी लिक्विड में डिस्पर्स्ड रहती है ना, सॉल्यूट में। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन हुआ, ट्रू सॉल्यूशन इसका एग्जांपल हुआ, ठीक है। फिर जो आपका नेक्स्ट है कोलोइड्स, है ना। तो कोलोइड्स जो होते हैं वो भी माइक्रो हेट्रोजीनियस सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। इसमें जो डिस्पर्स्ड फेज होती है उसकी पार्टिकल साइज रेंज होती है 1 से 1000 नैनोमीटर तक, ठीक है। और आपके जो कोलोइड फेज है ना, इनको आप जनरल जो सेपरेशन मेथड होती हैं जैसे कि ग्रेविटी या सेंट्रीफ्यूगेशन, तो इससे आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते जो दोनों फेजेस हैं। इनके सेपरेशन के लिए स्पेशल मेथड्स होती हैं जैसे माइक्रो फिल्ट्रेशन वगैरह, तो इनसे आप सेपरेट उसको कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके एग्जांपल दिए हैं कोलोइड के क्या होते हैं, मिल्क होते हैं, है ना, मिल्क इमल्शन ऑफ, जो मिल्क होता है वो क्या होता है, इमल्शन होता है फैट का, है ना, वसा का आपके वाटर में, ठीक है। और फिर है आपका दूसरा है फॉग, है ना। फॉग क्या है, आपका जो एरोसॉल है, ठीक है, वाटर का होता है ना, एयर में, ठीक है, ओके। और नेक्स्ट है आपके कोलोइडल सिलिका, तो ये एग्जांपल है आपके कोलोइड्स के, ठीक है। आपको यहाँ तक बातें सारी क्लियर होंगी, आई होप, है ना। फिर इसके बाद है आपका थर्ड जो है आपका लास्ट कोर्स डिस्पर्जन, है ना, इनको सस्पेंशंस भी बोलते हैं ना। तो जो कोर्स डिस्पर्जन्स होते हैं ये भी हेट्रोजीनस सिस्टम होते हैं, ठीक है। और जो डिस्पर्ज फेज होती है पार्टिकल्स की, है ना, जो पार्टिकल साइज़ होती है उनकी,
वो 1000 नैनोमीटर से जैसे मैंने आपको बताया कि बड़ा होता है, तो कोर्स डिस्पर्जन में फास्ट सेडिमेंटेशन इस वजह से होता है क्योंकि साइज़ बड़ा होता है जो आपके डिस्पर्जन डिस्पर्ज फेज है उसकी, है ना। साइज़ बड़ा होने की ग्रेविटी के अंडर ये बड़ा होने की वजह से साइज़ ये फास्टली सेडिमेंट हो जाते हैं, ठीक है। और इनकी जो दोनों फेज़ होती हैं कोर्स डिस्पर्जन में, इनको ईजीली आप क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, फिल्ट्रेशन मेथड से, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके तीनों जो आपके डिस्पर्जन हैं वो कैटेगराइज हैं तीन तरीके से, है ना। और फिर हम जो बात करेंगे आपका जो आपका यूनिट है सस्पेंशन, है ना, कोर्स डिस्पर्जन के बारे में, तो सस्पेंशन जो है वो आपका कोर्स डिस्पर्जन में ही आते हैं, ठीक है, या उसी का एक फॉर्म है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि सस्पेंशन क्या होते हैं, कोर्स डिस्पर्जन होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो कहाँ होते हैं, सस्पेंडेड लिक्विड मीडियम में सस्पेंडेड रहते हैं ना, ठीक है, या डिस्पर्स रहते हैं। तो इस प्रकार से सस्पेंशन को क्या हुए, फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन क्या होते हैं, कोर्स डिस्पर्जन होते हैं, ठीक है। और इनसॉल्युबल सॉलिड इसमें क्या करता है, क्या करते हैं, डिस्पर्स रहते हैं एक किसी लिक्विड में, मीडियम में, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सस्पेंशन की डेफिनेशन है। इसमें क्या होता है कि, हाँ एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो इंटरनल फेज़ होती है ना वो क्या क्या होते हैं, जो आपके इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं उनको इंटरनल फेज़ भी बोलते हैं, ठीक है। और जो आपका लिक्विड होता है वो एक्सटर्नल फेज़ कहलाती है ना, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई, जो एक्सटर्नल फेज़ है वो लिक्विड होता है, ठीक है, जिसमें कि आपका जो सॉलिड है वो डिस्पर्स्ड रहता है, ठीक है। तो ये लिक्विड जो हुआ ये कहलाया आपका एक्सटर्नल फेज़, और जो सॉलिड हुआ ये क्या हुआ, इंटरनल फेज़, ठीक है। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, आपके जो सस्पेंशन है वो कैसे कैसे क्लासिफाइड है, ठीक है। तो ये सबसे पहली है वो जनरल क्लासेस हैं, ठीक है, ये जनरल क्लासेस है, जैसे कि आपका सबसे पहला हुआ ओरल सस्पेंशन, ठीक है, एक्सटर्नली अप्लाइड सस्पेंशन, फिर पेरेंटल सस्पेंशन, ठीक है। तो ये तीन तरीके से आपके क्लासिफाइड है आपके सस्पेंशन। फिर आपका नेक्स्ट है आपका प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड बेस पे, ठीक है, तो कितना प्रोपोर्शन है सॉलिड का आपके सस्पेंशन में, अगर 2 से 10% तक आपका सॉलिड है सस्पेंशन में तो वो कहलाएंगे डाइल्यूटेड सस्पेंशन, है ना। अगर 2 से 10% तक वेट बाय वॉल्यूम सॉलिड है, है ना, तो आपका क्या कहलाएगा, वो डाइल्यूटेड सस्पेंशन। और अगर आपका परसेंटेज जो 50% से ज़्यादा है आपका सॉलिड का, तो आपका क्या कहलाएगा, वो कंसनट्रेटेड सस्पेंशन, ठीक है। तो ये आपका कंसनट्रेशन के बेस पे हो गया। फिर आपका जो थर्ड है वो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, ठीक है। तो ये आप जानते हैं कि फ्लॉक्युलेटेड और डीफ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशंस होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये मैं आपको पहले ही आपको बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ, और मैं फिर से आपको समझाऊँगा जब हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दो टाइप के बेस्ड होते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर के बेस पे, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट, आपका आता है फोर्थ जो है बेस्ड ऑन साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल, ठीक है। अगर पार्टिकल का साइज़ आपका 1 माइक्रोन से कम है तो वो क्या कहलाएंगे, कोलाइडल सस्पेंशन, ठीक है। अगर पार्टिकल साइज़ आपका 1 नैनोमीटर से ज़्यादा है तो वो कहलाएंगे कोर्स सस्पेंशन, ठीक है। और अगर 10 नैनोग्राम के अप्रॉक्स साइज़ है तो वो नैनो सस्पेंशन कहलाएंगे, ठीक है। तो ये साइज़ बेस पर आपका क्लासिफिकेशन है। तो इस तरीके से आई थिंक आपको क्लासिफिकेशन भी पूरा समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह के बारे में, ठीक है। तो जो एडवांटेजेस हैं, सबसे पहले हम देखेंगे एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो जो आपके एडवांटेजेस हैं, सबसे पहले क्या है, जो फार्मास्यूटिकल सस्पेंशंस होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, केमिकल स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, कुछ ड्रग के केमिकल स्टेबिलिटी को वो इन्हांस कर देते हैं, ठीक है। फिर एग्जांपल है जैसे आपका प्रोकेन पेनिसिलिन जी, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है एडवांटेज है वो ये है कि जो ड्रग होती है सस्पेंशन में उसकी बायो अवेलेबिलिटी रेट हायर होती है, मतलब जो ड्रग है वो ब्लड में ज़्यादा पहुंचती है, ठीक है, जो अदर डोजेस फॉर्म है उनसे एज़ कम्पेयर्ड, है ना। मतलब सॉल्यूशंस की जो सबसे ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी होती है, उसके बाद जो सेकंड नंबर पर आती है आपके सस्पेंशन की, ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी, मतलब ड्रग ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ब्लड में पहुँच रही होती है अगर आप उसको सस्पेंशन के फॉर्म में दे रहे हैं तो, ठीक है। इसके बाद उससे कम होती है कैप्सूल की बायो अवेलेबिलिटी, और कैप्सूल से कम होती है कंप्रेस टैबलेट की, और लास्ट में होती है कोटेड टैबलेट की बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी बायोअवेलेबिलिटी भी ज़्यादा देता है आपका सस्पेंशन, ठीक है। फिर आपका क्या है नेक्स्ट, जो आपका एडवांटेज है कि जो ड्यूरेशन एंड ऑनसेट ऑफ एक्शन कैन बी कंट्रोल्ड, है ना। मतलब आप क्या कर सकते हैं कि सस्पेंशन के फॉर्म में जो ड्रग का एक्शन है ना, उसका ड्यूरेशन कंट्रोल कर सकते हैं, और ऑनसेट ऑफ एक्शन मतलब कब थेरापेटिक इफेक्ट आना चालू होगा,
है ना, ये कंट्रोल कर सकते हैं, और कितनी देर तक उसका इफ़ेक्ट रहेगा ये भी कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब ये दोनों चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं आप सस्पेंशन के फॉर्म में ट्रक को दे करके, ठीक है। तो जैसे प्रोटामिन जिंक इंसुलिन सस्पेंशन है, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। और फिर जो आपका लास्ट एडवांटेज है वो ये है कि सस्पेंशन जो है वो क्या कर सकता है, आपके ट्रक का अगर अनप्लीजेंट या बिटर टेस्ट है, कड़वा है या फिर बहुत गंदा टेस्ट है, तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसको आप मास्क कर सकते हैं, मतलब हाइड कर सकते हैं उसका गंदा टेस्ट। जैसे कि आपका क्लोरामफेनिकॉल है, ये बिटर होता है बहुत ज़्यादा, है ना, उसको सस्पेंशन के फॉर्म में इसकी जो बिटरनेस है वो हाइड कर सकते हैं अपन, ठीक है। फिर आते हैं डिसएडवांटेजेस पे। फिर डिसएडवांटेजेस में आप सबसे पहले देखेंगे कि फिजिकल स्टेबिलिटी होती है जो, वो एक प्रॉब्लम होती है। सेडिमेंटेशन हो सकता है, कॉम्पैक्शन हो सकता है, मतलब नीचे केक बन सकता है आपकी ड्रग का, है ना, नीचे सेडिमेंटेशन होता है एकदम, अगर साइज़ बड़ा है पार्टिकल्स का, है ना, तो सेडिमेंटेशन और कॉम्पैक्शन की केस बन जाते हैं आपके, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा है कि ये बल्कि होता है, मतलब वेट ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब 100 मिलीग्राम का भी अब सस्पेंशन बनाएंगे तो लिक्विड की वजह से वो वेट उसमें ज़्यादा हो जाता है 100 मिलीग्राम की टैबलेट की कंपेरिजन में, ठीक है। तो इसमें हैंडलिंग प्रॉब्लम होती है और ट्रांसपोर्ट में भी दिक्कत होती है इस टाइप के सस्पेंशन को ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है। फिर इस तीसरी जो प्रॉब्लम है, इसको फॉर्मुलेट करने की दिक्कत आती है ना, फॉर्मुलेट करने की मतलब कि उसको प्रिपेयर कैसे करें, हमको प्रॉपरली सस्पेंडिंग एजेंट यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, और साइज़ को भी मेंटेन रखना पड़ता है पार्टिकल्स के, है ना, तो ये चीज़ें दिक्कत करती हैं। फिर नेक्स्ट आपका यूनिफॉर्म और एक्यूरेट डोज कैन नॉट बी अचीव, ठीक है। हाँ, मतलब अगर ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा डोजेज आपके सस्पेंशंस में है ना, तो क्या होता है कि कई बार सस्पेंशन के एक पार्ट में ज़्यादा ड्रग पहुँच जाता है, कई बार कम होता है, तो हमको बहुत अच्छे से उसको चेक करना पड़ता है अगर मल्टीपल डोज के फॉर्म में उसको ले रहे हैं हम तो, ठीक है। तो ये आपके जो एडवांटेजेस हैं वो आपके सस्पेंशन के डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपके फीचर्स जो डिज़ायर्ड फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन के हैं, क्या क्या होने चाहिए, है ना। तो सबसे पहले है आपका जो सस्पेंशन है उसके सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल नहीं होने चाहिए बहुत तेज़ी से, है ना, बहुत तेज़ी से उनका सेटलमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब सेडिमेंटेशन का फास्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर सेडिमेंटेशन हो भी जाता है तो उसको हम ईजिली रिडिस्पर्स कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए कि उसको हम वापस से धीरे से हिलाएं तो भी वो रिसस्पेंडेड हो जाए, ठीक है। फिर सेकेंड है आपका ईजिली वो पोर होने के लायक हो, ऐसा ना हो कि वो हम उसको पोर कर रहे हैं वो बाहर ही ना निकल रहा हो, है ना, और इवन ऐसा भी ना हो कि उसमें कोई ग्रेटीनेस हो, है ना, मतलब हमको फीलिंग में आए कुछ सॉलिड पार्टिकल, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका उसके प्लीजेंट ऑर्डर होना चाहिए, कलर और पैलेटेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब ऑर्डर अच्छी होनी चाहिए, उसकी स्मेल अच्छी होना चाहिए, उसका कलर अच्छा होना चाहिए और उसका टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए ताकि जो पेशेंट एक्सेप्टेंस है वो बढ़ेगा, है ना। फिर आपका आता है कि गुड सिरिंजेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब अगर कोई इंजेक्शन है आपने सस्पेंशन के फॉर्म में दे रहे हैं तो ऐसा ना हो कि वो नीडल को ही ब्लॉक कर दे, है ना, नीडल में ही ब्लॉक होकर रह जाए, है ना, तो सिरिंजेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, मतलब ईजिली वो सिरिंज से पास हो जाए, ठीक है। इट शुड बी फिज़िकली केमिकली एंड माइक्रोबायोलॉजिकली स्टेबल, मतलब आपका फिज़िकली ऐसा हो कि वो स्टेबल हो, मतलब सस्पेंशन का सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स है वो उनका नीचे केक ना बने, ठीक है, केमिकली उनका कोई रिएक्शन ना हो सस्पेंशन के जो इंग्रेडिएंट हैं, ठीक है, और माइक्रोबायोलॉजिकली स्टेबल हो, मतलब उनमें कोई किसी भी प्रकार का कंटामिनेशन ना हो, कोई भी माइक्रोब का अटैक ना हो, ऐसा आपका सस्पेंशन होना चाहिए, ठीक है। और जो आपके पेरेंट्रल और जो ऑप्थेलमिक सस्पेंशन होते हैं वो स्टरलाइज होना चाहिए क्योंकि इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, है ना, अगर पेरेंट्रल आपने ब्लड में इंजेक्ट कर दिया, स्टरलाइज नहीं है सस्पेंशन, तो उसमें माइक्रोब अगर हैं तो आपके बॉडी में पूरे में इन्फेक्शन हो जाएगा, है ना, तो ऑप्थेलमिक और जो पेरेंट्रल है वो दोनों स्टरलाइज होने चाहिए सस्पेंशन, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे एप्लीकेशंस की। तो जो सबसे पहला आपका एप्लीकेशन है क्या है कि जो सस्पेंशन है ना वो ऐसी ड्रग के लिए बनाए जाते हैं जनरली जो कि इनसॉल्युबल हो, है ना, या फिर इनकी पुअर वाटर सॉल्युबिलिटी हो, है ना, या फिर इनकी सॉल्युबिलिटी कम हो या फिर ये इनसॉल्युबल हो, तो हम उनका क्या बनाएंगे, सस्पेंशन फॉर्म में डोजेस फॉर्म बनाएंगे, है ना, जैसे कि प्रेडनिसोलोन सस्पेंशन है, ठीक है। फिर सेकेंड है आपका क्या कि कुछ ड्रग ऐसी होती हैं कि उनका डिग्रेडेशन हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उनकी स्टेबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए हम उनका सस्पेंशन फॉर्मुलेट कर लेते हैं, है ना, जैसे कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। फिर जो थर्ड है क्या होता है कि कुछ ड्रग होती हैं वो
बिटर टेस्ट होती हैं, जैसे कि क्लोरामफेनिकोल पामीटेट, है ना। तो हम मास्क करने के लिए टेस्ट को हम उनको सस्पेंशन के फॉर्म में बना लेते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आपका डी है, सस्पेंशन ऑफ ड्रग कैन बी फॉर्मुलेट फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन, मतलब हम अपने स्किन पर जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन है, स्किन पर से रिलेटेड जो आपके एरिया है वहाँ पर हमें जब कोई ड्रग लगानी होती है तो हम उसका सस्पेंशन बना सकते हैं, ठीक है। फिर सस्पेंशन कैन बी फॉर्मुलेट फॉर पेरेंट्रल एप्लीकेशन इन ऑर्डर टू कंट्रोल रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो मतलब हम उनको पेरेंट्रल फॉर्म में भी सस्पेंशन बना के किसी ड्रग को दे सकते हैं, अगर हमको क्या करना है, जो आपके रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन है उसको कंट्रोल करना है, मतलब कितनी रेट से ड्रग ब्लड में जाएगी, अगर ये कंट्रोल करना है तो हम उसका सस्पेंशन फॉर्मुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे थे अपने एप्लीकेशन है ना। आपका नेक्स्ट है जो इसमें एप्लीकेशन, वो है वैक्सीन एज अ इम्यूनाइजिंग एजेंट आर ऑफन फॉर्मुलेटेड एज सस्पेंशन, है ना। तो जो कि वैक्सीन होते हैं वो हम जनरली क्या बनाते हैं, उनको एज अ सस्पेंशन लेते हैं, जैसे कि कोलेरा वैक्सीन है तो वो आपकी सस्पेंशन है, इम्यूनाइजेशन के लिए हम ये वैक्सीन बनाते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट है एक्सरे कॉन्ट्रास्ट एजेंट आर आल्सो फॉर्मुलेटेड एज सस्पेंशन, है ना। मतलब जो एक्सरे कॉन्ट्रास्ट एजेंट होते हैं वो भी आपके सस्पेंशन ही होते हैं, ठीक है। जैसे बेरियम सल्फेट फॉर एग्जामिनेशन ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट, है ना। मतलब आपके पेट में अगर आपको एक्सरे कराना है तो पहले वो बेरियम सल्फेट का आपको सस्पेंशन देंगे, उसके बाद आपका एक्सरे लेंगे तो उससे क्लियर पिक्चर आएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ तक ये सारे एप्लीकेशन, डिसएडवांटेज, एडवांटेज और सस्पेंशन क्या होते हैं, ये ख़त्म हो गए। इसके बाद आपके जो सॉलिड्स होते हैं उनके इंटरफेशियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स क्या होती हैं इंटरफेशियल प्रॉपर्टी सॉलिड्स की, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर, है ना। तो हम बात करते हैं कि जो एक्सेप्टेबल सस्पेंशन होते हैं ना, उनकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उनकी सेटलिंग नहीं होनी चाहिए, जो आपकी डिस्पर्स्ड फेज है सॉलिड की, है ना, वो सॉलिड आपका सेटल नहीं होना चाहिए, है ना। ये हम मान के चलते हैं कि एक एक्सेप्टेबल जो सस्पेंशन है उसमें ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इसको अचीव करने के लिए कि सस्पेंशन सेटल ना हो, क्या करते हैं हम, पार्टिकल का साइज़ 5 माइक्रोमीटर तक अगर हम रिड्यूस कर देते हैं तो क्या होता है कि जो पार्टिकल होते हैं वो ब्राउनियन मोशन शो करने लगते हैं, है ना। ब्राउनियन मोशन मतलब जिगजैग मोशन, है ना, इस तरीके से, है ना, मूवमेंट करने लगते हैं, तो उससे क्या होगा कि पार्टिकल की सेटलिंग नहीं होती है ना। तो इस सिक्वेंस में हम क्या करते हैं कि साइज़ रिडक्शन करेंगे पार्टिकल का, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हमको वर्क करना पड़ेगा पार्टिकल का, जो जैसे लार्ज पार्टिकल है तो हम इस पर कोई वर्क करेंगे W, है ना। तो ये पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड हो जाएगा एक पार्टिकल, है ना। तो इससे क्या होगा, जो अपना सस्पेंशन है वो स्टेबल हो जाएगा, लेकिन आप जो वर्क करेंगे वो हम इस फॉर्मूले से दिखाते हैं ना। ये जो वर्क किया हमने, ये W इक्वल टू डेल्टा जी इक्वल टू गाम साई एस एल डेल ए, ये आपके फॉर्मूले से हम वर्क डन फॉर साइज रिडक्शन शो करते हैं ना। तो यहाँ पर जो आपका W है ना, सबसे पहले यहाँ पर जो W है वो है आपका वर्क डन, ठीक है, इन साइज रिडक्शन। फिर डेल्टा जी जो है वो है आपका इंक्रीज इन सरफेस फ्री एनर्जी, क्या होगा, आप जब पार्टिकल का साइज रिड्यूस करेंगे तो इनकी जो पार्टिकल्स की सरफेस है वो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, सरफेस फ्री एनर्जी इनकी इंक्रीज हो जाएगी। वो क्यों होगी, क्योंकि जो आपका मैं बता रहा हूँ जो सरफेस एरिया है वो एनॉर्मसली एनहांस हो गया, क्योंकि पार्टिकल साइज आपने छोटा कर दिया है ना। तो इससे क्या होगा कि सरफेस फ्री एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। फिर आपका सेकेंड आपका जो क्या है, जो गामा एस एल है, ये इंटरफेशियल टेंशन है लिक्विड मीडियम और सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में। क्या होता है कि एक लिक्विड होता है ना, हम मैंने बताया जैसे आपको, इसमें क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं ना। तो जो पार्टिकल्स है सॉलिड और इनके जो कॉन्टैक्ट है लिक्विड के बीच में, उसके बीच में जो इंटरफेस होती है उस पर जो टेंशन होती है उसको हम इंटरफेशियल टेंशन बोलते हैं, ये गामा एस एल से हम डिनोट करते हैं उसको, ठीक है। फिर डेल्टा ए है आपका इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ इंटरफेस ड्यू टू साइज रिडक्शन, है ना। तो क्या होता है कि जब आप साइज रिड्यूस करते हैं तो पार्टिकल साइज रिड्यूस होने से उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और ये सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि जो आपका सरफेस फ्री एनर्जी है डेल्टा जी, वो एनॉर्मसली इन्हांस हो जाती है। और ये इन्हांस होने की वजह से क्या होगा कि जो सिस्टम है वो थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल हो जाएगा, है ना। अनस्टेबल हो जाएगा तो ये क्या करेगा, अपने आप को वापस से आपको अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा और अपनी रिटर्न फेज में वापस से आप आने की कोशिश करेगा, है ना, स्टेबल स्टेट में आने की कोशिश करेगा, ठीक है। और वो क्या करेगा कि सरफेस फ्री एनर्जी है डेल्टा जी की वैल्यू है उसको वो ज़ीरो करने की कोशिश करेगा, है ना, मिनिमम कोशिश बढ़ा करने की कोशिश करेगा डेल्टा जी की वैल्यू को, ताकि वो स्टेबल हो जाए। ये जी की वैल्यू डेल्टा जी की
वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा ये आपका जो सस्पेंशन है वो अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू जीरो करने के लिए सिस्टम दो मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ठीक है। तो क्या होगा, सिस्टम सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, डेल्टा ए की वैल्यू को ज़ीरो करने की कोशिश करेगा, मतलब सरफेस एरिया को मिनिमम करने की कोशिश करेगा, जिससे क्या हो कि डेल्टा जी की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये जो डेल्टा ए है इसकी वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाएगी तो ये डेल जी अपने आप ज़ीरो हो जाएगा, मतलब सरफेस एरिया को ज़ीरो करने की कोशिश करेगा। और करेगा कैसे, ये आपका जो सिस्टम है उसमें जो पार्टिकल हैं वो आपके अलग अलग हैं, तो इनको क्या करेगा, वो ग्रुप बनाने की कोशिश करेगा, से ग्रुप बना लेगा, है ना। तो जो आपके पार्टिकल्स के ग्रुपिंग होगी इससे उसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा, जो सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया छोटे छोटे पार्टिकल बनने की वजह से, तो वो रीग्रुपिंग करेगा, है ना, एग्रीगेट बनाएगा, फ्लॉक्स बनाएगा, तो सरफेस एरिया डेल्टा की वैल्यू कम होने लगेगी, है ना। लेकिन क्या होता है कि जो फार्मासिस्ट है वो नहीं चाहता है कि, या हम नहीं चाहते हैं कि एग्रीगेट बने, क्योंकि अगर एग्रीगेट बनेगा तो पार्टिकल जो सस्पेंशन के हैं वो सस्पेंड हो जाएंगे फ्लॉक्स के फॉर्म में, है ना, जो एग्रीगेट हैं, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो क्या होगा, हमको बैलेंस बना के रखना पड़ता है आपके पार्टिकल साइज में और जो सिस्टम की स्टेबिलिटी है ना, और जो आपकी रीग्रुपिंग है इसको हमको रोकना पड़ेगा, है ना। तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे कि इसके जो पार्टिकल्स हैं है ना उनके उनके ऊपर चार्ज जो है ना उसको हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, जैसे माइनस चार्ज फॉर्म हो गया, सब माइनस फॉर्म हो गया सारे पार्टिकल्स पे, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो क्या आपका एग्रीगेट नहीं बना पाएंगे सरफेस एरिया कम करने के लिए, है ना। तो क्या होगा, सबसे पहले हम चार्ज जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है जीटा पोटेंशियल, है ना, जो सॉलिड सरफेस है उस पर जीटा पोटेंशियल हो सकता है ना, पोटेंशियल मतलब वही चार्ज से रिलेटेड, है ना, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो ये चार्ज रहेगा तो वही बात है कि चार्ज रहेगा तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और एक दूसरे के पास में एग्रीगेट फॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपके कुछ मैकेनिज्म है, इन पर ध्यान दे के हम क्या कर सकते हैं, एग्रीगेट फॉर्म होने से रोक सकते हैं, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू अचीव स्टेबिलिटी सब्सटेंसेस सच एज इलेक्ट्रोलाइट एंड पॉलीमर आर एडेड, है ना। तो क्या होता है कि अगर पार्टिकल सेडिमेंट हो रहा है या फ्लॉक्स बना रहा है या सेडिमेंटेशन फास्ट हो रहा है तो हम क्या करते हैं कि उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट या पॉलीमर ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो डाइल्यूट सस्पेंशन होते हैं ना उनमें क्या होता है कि ये रिलेटिवली स्टेबल होते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल हैं है ना उनके बीच की दूरी ज़्यादा होती है ना। तो क्या होता है कि अगर हम पॉलीमर या इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, जो आपके सस्पेंशन है वो गाढ़े हो जाते हैं, है ना, पॉलीमर डालने से। तो ये क्या होता है कि जो पार्टिकल का मूवमेंट है ना, इसके बीच में पॉलीमर चेन आ जाएंगी तो ये क्या होंगे कि पार्टिकल मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, है ना, सस्पेंशन के, तो क्या होगा, वो एग्रीगेशन या सेडिमेंटेशन नहीं होगा। तो ये एक तरीका है कि हम इलेक्ट्रोलाइट या पॉलीमर डाल दें तो आपका जो एग्रीगेशन या सेडिमेंटेशन रुक जाएगा, ठीक है। तो ये एक आपका हमने जो साइज रिडक्शन आपको बताया था उसका एक ये फिगर है ना। तो ये जैसे लार्ज पार्टिकल थे, ठीक है, सरफेस एरिया इनका कम था, ठीक है, सरफेस एनर्जी इनकी कम थी, आपने 5 माइक्रोमीटर साइज रेंज में लाने के लिए हमने क्या किया था, 5 माइक्रोमीटर साइज रेंज में लाने के लिए हमने क्या किया, इनको पार्टिकल साइज रिड्यूस करने के लिए कुछ वर्क किया, है ना, साइज रिडक्शन किया, तो ये पार्टिकल स्मॉल हो गए, लेकिन इनका क्या हो गया, सरफेस एरिया लार्ज हो गया और सरफेस फ्री एनर्जी भी इनकी इन्हांस हो गई, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हम क्या कर सकते हैं, या तो ये हाँ इलेक्ट्रोलाइट या पॉलीमर डाल देंगे, है ना। तो क्या होगा, ये क्या करेंगे, इनको सस्पेंशन या सेडिमेंटेशन, सस्पेंशन के जो सेडिमेंटेशन उसको या एग्रीगेशन को रोकेंगे, है ना। और अगर इसमें आप स्ट्रक्चर्ड व्हीकल बनाएंगे तो डालेंगे तो ये हार्ड केक का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। और ये इस तरीके से ये आपका जो फिगर है ये आपको सारी डिटेल दे रहा है, ठीक है। फिर जो दूसरा फैक्टर है ना कि स्टेबल कैसे करें, हमारा फॉर्मूला क्या था, डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा जी इक्वल टू गामा सर एस एल डेल ए, है ना। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि हम सरफेस एरिया को कम कर देंगे तो आपका डेल्टा जी कम हो जाएगा, सरफेस फ्री एनर्जी कम हो जाएगी तो आपका सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ जो है वो है क्या, गामा एस एल, मतलब जो हमारा इंटरफेशियल टेंशन है ना, इसको अगर हम रिड्यूस कर देंगे, है ना,
तो क्या होगा कि सरफेस फ्री एनर्जी उसकी कम हो जाएगी, है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं गामा एस एल की, है ना। तो क्या होगा कि जैसे ही आप गामा गामा एस एल या सरफेस फ्री एनर्जी, सरफेस टेंशन है, इसको रिड्यूस करेंगे, तो क्या होता है कि आप उसको ज़ीरो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल है ना, हर पार्टिकल पर कुछ पॉजिटिव इंटरफेशियल टेंशन होता ही है, तो आप उसको ज़ीरो नहीं कर सकते गामा एस एल को, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको मिनिमम रिड्यूस कर सकते हैं, है ना, मिनिमम लेवल तक रिड्यूस कर सकते हैं। और इसको रिड्यूस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसमें कुछ सरफेस एक्टिव एजेंट डाल सकते हैं, मतलब सर्फेक्टेंट डाल सकते हैं। तो ये क्या करेगा कि गामा एस एल जो है इसकी वैल्यू को मिनिमम तक पहुंचा देगा, और क्या करेगा, सिस्टम को स्टेबलाइज़ कर देगा, है ना। इसकी वैल्यू रिड्यूस होगी, तो इसकी वैल्यू अपने आप सरफेस फ्री एनर्जी की एनर्जी की जो वैल्यू है वो अपने आप रिड्यूस हो जाएगी, है ना। और ये रिड्यूस हो जाएगी तो आपका सिस्टम भी स्टेबल हो जाएगा। तो इस दो तरीके से हम जो आपका सस्पेंशन है उसको स्टेबलाइज़ कर सकते हैं। तो ये जो जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं दोनों, ये कहलाती हैं आपके इंटरफेशियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, है ना। तो जो प्रॉपर्टी होती हैं वो कैसे अफेक्ट करती हैं स्टेबिलिटी को। तो ये जो आपका टॉपिक है ना, या इसमें अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन होती है या कुछ चीज़ समझ नहीं आती है, तो आप बिल्कुल कमेंट करके गूगल क्लासरूम में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप इसको पढ़िए और समझिए, अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो बिल्कुल पूछिए। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।